अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ग्रुप्स का वो था सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप क्या होते हैं कि कोई भी एक ऐसा सेट जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करे तो वो जो सबसेट होता है वो ग्रुप का सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन जो होता है सब ग्रुप्स का वो भी सब ग्रुप होता है। अब है यूनियन की बात हमने करनी है, यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स। तो एक एग्जांपल देखें, जी इज इक्वल टू 1357 बी ए ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। ठीक है, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलो क्या है इसमें 8 है। ये हमने पीछे भी चेक किया हुआ है, अभी भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसके दो सब ग्रुप्स ले लेते हैं, एक 1 और 3 का और एक 1 और 5 का। हम इसका यूनियन देखते हैं तो क्या आता है, 1, 3 और 5। तो अब हमने चेक करना है क्या ये यूनियन भी सब ग्रुप है या नहीं है। तो देखें, कोई दो एलिमेंट सब ग्रुप्स इसको चेक करना हो कि ग्रुप है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे 3 और 5 को किया तो 15 है, और 15 मॉडुलो 8 में डिवाइड करेंगे तो 7 बचता है। 7 इस ग्रुप का जो है एलिमेंट नहीं है, सो ये जो यूनियन है ये सब ग्रुप नहीं है। तो समटाइम्स जो है वो यूनियन सब ग्रुप होता है और समटाइम्स सब ग्रुप नहीं होता है। तो इसके लिए एक थ्योरम है, उसमें एक कंडीशन दी गई है कि कब जो है वो ज़रूर सब ग्रुप बनता है। ठीक है, इंटरसेक्शन तो और बेस होता है कि उसका हमने एक थ्योरम भी प्रूफ किया है, और यूनियन के लिए हम एक प्रूफ करेंगे थ्योरम कि क्या कंडीशंस हों तो वो यकीनन सब ग्रुप बनता है, क्योंकि बाज़ुकात बनता है बाज़ुकात नहीं बनता। लेकिन इस थ्योरम की कंडीशंस अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो आपके पास वो जो सब ग्रुप है वो भी एक ग्रुप बन जाएगा, मतलब उनका जो यूनियन है वो भी ग्रुप बनेगा। थ्योरम की स्टेटमेंट देखें, द यूनियन एच यूनियन के ऑफ टू सब ग्रुप्स एच एंड के ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखें, एक ग्रुप था जी, हमने उसके टू सब ग्रुप्स लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं, एच एंड के लिए हैं। हम प्रूव करेंगे कि उसका जो यूनियन है वो भी सब ग्रुप है, इफ़ एंड ओनली इफ। किस सूरत में हो सकता है, इधर एच इज़ कंटेंड इन के और के इज़ कंटेंड इन एच, मतलब आपके पास एच जो है वो पूरे का पूरा के में होना चाहिए या के जो है वो पूरे का पूरा एच में होना चाहिए। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर आपके पास एक सेट में 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, तो आपने एक और इसका इसमें से एक सबसेट लिया है, जैसे हमने 1, 2, 3 लिए हैं, वो पूरे का पूरा इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये किस सूरत में यूनियन हो सकता है, या एच पूरे का पूरा के में मौजूद हो या फिर के पूरे का पूरा एच में मौजूद हो, इसको क्या पढ़ते हैं, कंटेंड इन। जैसे ये है, एच इज़ कंटेंड इन के और के इज़ कंटेंड इन एच, कंटेंड मतलब जैसे मुश्तमिल होना। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर होल्ड करती है तो वो जो यूनियन है वो सब ग्रुप बनेगा। तो बाज़ुकात बनता है बाज़ुकात नहीं बनता, लेकिन इस थ्योरम की कंडीशंस के मुताबिक अगर ये फॉलो होती हैं तो यूनियन जो है वो सब ग्रुप बनेगा। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। आपको पता है जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है तो दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक चीज़ लेके चलते हैं दूसरी प्रूफ करते हैं, दूसरी लेके चलते हैं और पहली प्रूफ करते हैं। हमने सबसे पहले ये ले लिया कि ये वाली कंडीशन ले लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि यूनियन सब ग्रुप है। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप। अब जी ए ग्रुप था, दो हमने सब ग्रुप्स उसके लिए हुए हैं, ये तो गिवन ही है। सपोज एच के में कंटेंट कर रहा है और के एच में कंटेंट कर रहा है। अब ये चीज़ समझने वाली है, इसको समझें किस तरह से होगा। एच अगर के में मौजूद है तो इसका मतलब है अगर आप उन दोनों का यूनियन लेते हैं तो वो के बराबर होगा। बड़े सेट के जब भी कंटेंट की बात होती है तो इधर ये हमेशा बड़ा होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी 1, 2, 3, 4 की। ठीक है, तो एक मैंने सेट लिया था 1, 2, 3 जो कि पूरे का पूरा इसमें मौजूद था। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1, 2, 3 वाले को हमने एच का नाम दे दिया और इसको हमने के का नाम दे दिया। ठीक है, अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो आपको पता है यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो वो यूनियन क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब वो के इक्वल होगा। तो अगर एच के में मौजूद है तो इन दोनों का यूनियन के बराबर होगा, और अगर के एच में मौजूद है, ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन एच के बराबर होगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है तो अगर दोनों का यूनियन लेते हैं तो वो बड़े के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एच और के ये दोनों सब ग्रुप्स हैं, ये सब ग्रुप्स हैं, तो जो उनकी राइट लेफ्ट साइड पे चीज़ है जो भी है, जाहिर है वो भी आपके पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा, क्योंकि इक्वालिटी की कंडीशन है। सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप्स,
ठीक है, जी के हैं। सो जो इसका इनके जो यूनियंस हैं दोनों, एच टी यूनियन के या के यूनियन एच, एक ही बात होती है, यूनियन में कोई वोट नहीं होता है। ए यूनियन भी लिख लें या बी यूनियन, एक ही चीज़ होती है। तो ये आपके पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ठीक है, क्या मैंने किया है कि ये चीज़ ले के और ये प्रूफ कर दें, कन्वर्स में हम एक ले लेंगे और दूसरी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बस इसमें कि आपने एच के में कंटेन करा है तो इनका यूनियन के होगा, और के एच में कर रहा है तो इनका यूनियन एच के बराबर होगा। एच और के दोनों सब ग्रुप्स हैं और दोनों किसके इक्वल हैं, एच यूनियन के। अब ये अगर सब ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब एच यूनियन के भी क्या है, आपके पास सब ग्रुप है।